राखी पेपराजी से बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग आदिल का इंटरव्यू ले और आदिल को स्टार बनाए। उसको वही चाहिए था, मेरा इस्तेमाल करके बहुत बड़ा स्टार बनना था। आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं जिम चेंज कर दूंगी, क्योंकि वह जानबूझकर मीडिया में नहीं आता, सिर्फ मीडिया में आएगा तो इंटरव्यू देने के लिए। मैं नहीं चाहती, झूठों का पुतला है वो खुद जानते है कि मेरे पास सारे प्रूफ है। उसने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि उस लड़की को ब्लॉक कर देगा। उसने ऐसा नहीं किया और वह लड़की ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि उस लड़की के पास सारे गंदे प्रूफ्स है। मेरा मीडिया से एक निवेदन है कि उसको स्टार मत बनाए। राखी बताती है, अब मेरी माँ नहीं रही तो मुझे कुछ खोने का डर नहीं। मैं उस लड़की को बताना चाहती हूँ कि मैं जब बिग बॉस मराठी में रही 1.5 महीना तो तुमने खूब फायदा उठाया। मैं नाम नहीं बताऊंगी, वक्त आने पर फोटो वीडियो सब दिखाऊंगी। आदिल ने 8 महीने शादी इसलिए गुपचुप रखी ताकि वह अफेयर कर सके। आदिल कहते है, तुम मेरी खुदा अल्लाह भगवान हो। नहीं, मुझे खुदा से कंपेयर न करो, मिट्टी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगी। मुझे एक बीवी बनना है, माँ बनना है, मैं एक इंसान बनना चाहती हूँ। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि अभी मैं इसके अफेयर के फोटो वीडियो नहीं दिखाना चाहती। इसलिए आदिल ने शादी के लिए मना किया, फिर दुनिया के डर से कबूल किया। राखी बोली, आदिल मैंने तुमको 10 मौके दिए कि सुधर जाओ। तुम कहते हो ना कि घर की बात घर पर रखो। आदिल, मुझे घर पर रखकर फ्रिज में नहीं जाना है। मैं शादीशुदा हक के लिए लड़ूंगी। उस लड़की को आदिल का साथ है, इसलिए वह डंके की चोट पर कहती है वह तुम्हें छोड़ेगा और मुझसे शादी करेगा।